एक सेकेंड थोड़ा विजुअल लेते हैं फिर बाइट करते हैं। अगर इतना प्यार मिलने के बाद बाहर निकलने के बाद भी कम ही होता है तो कैसा फील होगा? बहुत लाइक सीरियसली कह रही हूँ, इतना खूबसूरत महसूस हो रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बिकॉज आई डिडंट नो कि you know, मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी लोगों से, और बहुत खूबसूरत फीलिंग है। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई स्वेयर। कुछ दिन हो गए आपको बिग बॉस के घर से बाहर निकले, कैसा लग रहा है अभी? मतलब क्या कुछ चेंज हुआ है बिग बॉस से आने के बाद? चेंज ये हुआ है कि पहले जब मुझे लोग देखते थे तो कहते थे सना सुल्तान, अब रास्ते पर भी चलती हूँ तो लोग कहते आला आला गर्ल, मैं कहती हूँ हाँ आला गर्ल, नाम से ज़्यादा आला गर्ल से अभी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हुई। किसको सपोर्ट करेंगी आप, किसको देखती हुई? मैं बोलूँगी बॉम्बे 70 को वोट करो, आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, नेज़ी दब्बा। वैसे साई को भी बहुत सपोर्ट है, दुआएं उनके लिए भी, सो लेट्स होप मे द बेस्ट पर्सन विन, एंड में इतना ही बोलूँगी। एंड शिवानी भी घर के बाहर आ गई है, उसके बाद आपका कोई मुलाकात हुआ उनसे या फिर बातचीत हुई? या शिवानी से इंस्टाग्राम पे DM पे बात हुई तो शिवानी का मुझे मैसेज आया आला, मैंने DM एक्सेप्ट किया, मैंने बोला शिवानी, तो हमारे बीच में जाने के टाइम थोड़ी सी टकरार थी अगर आप लोगों ने देखा, तो वो जैसे उनका आला आया मैं सब भूल गई, एंड मैंने कहा शिवानी आई मिस्ड यू। सलमान ने जैसे इवेक्ट हुए उन्होंने ना इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया गया, मैं जैसे आया एक अच्छी TRP बढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया, और जैसे फैजल और एलविश को बुलाया गया जैसे लोग पसंद किए वैसे मुझे निकाल दिया गया, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे, कितनी सच्चाई है? आई थिंक उनकी नाराज़गी थोड़ी सी जायज़ है, इसकी वजह ये है कि मैं अदनान को बहुत अरसे से जानती हूँ, 5-6 साल से, वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, इतना कम रुकना तो मैं खुद बोलती हूँ वो डिज़र्व नहीं करते थे, बट शायद लक ने इस दफ़े इनको सपोर्ट नहीं किया। बट अगेन उनके लिए भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि वो बहुत ब्राइट है, उनका मुस्तकबिल उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो यहाँ पर ज़िंदगी नहीं रुकती, और जल्दी एविक्ट हो गए मैं मानती हूँ ही डिज़र्व्ड और आगे जाने के लिए, बट मुझे लगता है उनको थोड़ा सा कम मौका दिया गया ना, थोड़ा सा और अगर वो रुकते तो शायद वो और अच्छा खेलते। मेरा भी जो गेम है वो 2nd-3rd week में थोड़ा सा अप हुआ था, 1st तो मैं भी काफ़ी स्लो थी, तो कोई मसले मसाइल नहीं है, आई थिंक ये तो बस शुरुआत है। इवन फिनाले आ रहा है तो क्या आपको फिर से हम फिनाले में देख सकते हैं एज अ परफॉर्मर या फिर? इंशाल्लाह, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, वो आप लोग खुद देखिएगा। ओके लास्ट, क्या कुछ अपकमिंग बिग बॉस के घर के पास देखने को मिला आपकी तरफ से? बहुत कुछ इंशाल्लाह, बस आप लोग दुआ करें। अब 2 म्यूज़िक वीडियो तो मैं शूट करके आई हूँ, और एक और आला दर्जे का सरप्राइज़ है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और मैं भी उस चीज़ की मुंतज़िर हूँ कि मैं कब आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। यस, कि प्लीज़ जैसे आप मोहब्बत देते आए हो आगे भी दीजिएगा। और एक चीज़ मैंने देखी है कि कई मरतबे ये लोग कहते हैं यार ओवर एक्टर है, कितनी ओवर एक्टिंग करती है, पता है क्या जो मेरे आसपास है, आप यकीन माने आप उनसे जान लें कि सना सुल्तान हमेशा से ऐसे ही रही है। अगर मैं ऐसे बात करूँगी ना, अच्छा और हाँ ये ओवर एक्टिंग होगी, क्योंकि रियल सना सुल्तान है ही नहीं, सबकी शख्सियत थोड़ी अलग होती है ना, तो मैं थोड़ी सी ओवर द टॉप हूँ, मैं खुद मानती हूँ, तो ये मसला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।